दुर्ग शहर में लगातार हो रही वारदातें और नशे में धुत अपराधियों के हौसले बुलंद और पुलिस के हौसले नाकाम होते नजर आ रहे हैं। वहीं बीती रात हुई चाकूबाजी की घटना से वार्डवासियों ने मोहनगर थाने का घेराव किया। इन दिनों दुर्ग शहर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके चलते दुर्ग में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। साथ ही आरोपी घटना को अंजाम देकर पुलिस को अंगूठा दिखाकर भागते भी नजर आ रहे हैं। पूर्व में भी हुए चाकूबाजी से की गई हत्या में भी अभी तक आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, जिसे शहर के वार्डवासियों में काफी रोष नजर आ रहा है। बता दें, नशे में धुत अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक सप्ताह बाद ही दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में देर रात 2 घंटों में 3 चाकूबाजी की घटनाएं हुई, जिसमें त्रिलोक सेन आदर्श नगर निवासी को सब्जी मंडी के पास कुछ अज्ञात युवकों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। हमले के बाद आरोपी घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। साथ ही वासु यादव का टुलबोट निवासी को 7 युवकों ने चाकू से सर पर वार कर घायल कर दिया और फरार हो गए। तो वहीं तीसरी घटना में निखिल अग्रवाल शंकर नगर निवासी पर भी खाना खाकर टहलने निकले को बुद्ध विहार चौक के पास अज्ञात युवकों ने 4 जगह प्राणघातक हमला किया और फरार हो गए। बता दें, ये तीनों घटना थाना से महज कुछ ही दूर की दायरे पर घटी है। नगर वार्ड में कुछ दिन पहले एक लड़के का मर्डर हुआ है और कल एक लड़का को फिर चाकू पड़ गया। अभी लगातार नशा जैसे चीज़ जो है, अवैध नशा का जो कारोबार है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे नौजवान साथी चाकू लेकर के बिछुआ लेकर के घूमते हैं। ऐसे में आम जनता यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। लगातार ये दारू, गांजा, क्या कैप्सूल, क्या सुलेशन, ऐसे सारे चीज़ नशा चीज़ तालाबों के पार में या बस्ती के अंदर में कहीं ना कहीं बेचा जा रहा है, जिसको रोकथाम के लिए हमने पुलिस प्रशासन के लिए पास कई बार से हमने निवेदन किया है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। जिसके लिए आज हमारे आम जनता के द्वारा हम लोग स्वयं निकल पड़े हैं। अब पुलिस के डंडा नहीं पड़ेगा, हमारे जनता की डंडा ऐसे नेता नशाखोर के ऊपर पड़ेगा। हम इस नशाखोर को हमारे जनता के सहयोग से यहाँ हम वार्ड नंबर 17 और 18 में एक समिति बनाने जा रहे हैं, जो लगातार इस क्षेत्र में मॉनिटरिंग करेंगे और नशा का जो सामान बेचने वाले हैं उनके ऊपर हम लोग 5,000 रुपये का अर्थदंड करेंगे। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा जेल भेजा जाए। क्या लगता है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हमारे क्षेत्र में नहीं आ पा रहे, ना रात में ढंग से गश्त कर पाते हैं, ना समय पर पुलिस पहुंच पाता है। अभी 1 हफ्ता पहले जो मर्डर हुआ उसमें लड़का अभी तक नहीं पकड़ाया है। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि लगातार ऐसे घटना के ऊपर कार्रवाई करें। गुलाबी गैंग का बात कर रहे हैं, महिला कमांडो जो बना था वो गांव-गांव में लालटेन लेकर के घूमते थे। गांव-गांव में जो नशाखोरी था, दारू, गांजा, जुआ, सट्टा, सारे चीज़ गांव में बंद हो गया था। वैसे आज भी पूरे छत्तीसगढ़ के जनता और छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में लालटेन लेकर के महिला कमांडो जैसे आम जनता अगर निकलना चालू कर दें तो ये नशाखोर का बहुत बड़े बड़े कितना अपराध होगा वो सब समाप्त हो जाएगा। मैं देवनारायण चंद्राकर, नगर निगम उप नेता प्रतिपक्ष। अभी शांति नगर में एक इलाका है, मोहल्ला है शांति नगर में, वहाँ पे दो दोस्त ही हैं लोग, त्रिलोक सेन और बंटी वैष्णव, दोनों दोस्त हैं। दोनों आपस में बैठे थे वहाँ पे और दोनों ने आपस में बातचीत करते हुए नशे की हालत में ही थे। एक दोस्त जो बंटी वैष्णव है उसने त्रिलोक सेन को चाकू मार दिया और उसको मुलहजा कराया गया है। अभी वो हॉस्पिटल में है और उसकी स्थिति सामान्य है। बंटी वैष्णव को भी हमने पकड़ लिया है। और ऐसा ये एक इससे पूर्व में एक घटना हुई थी, उसी के लेके पार्षद महोदय अभी लोगों को लेकर आए थे, उनसे बातचीत कर लिए हैं, समझाइश दी गई है, तो अभी वो शांत है। दुर्ग में हो रहे अपराध और नशे के बढ़ते कारोबार पर नाराजगी जताते हुए वार्ड पार्षद देव नारायण चंद्राकर ने वार्ड की महिलाओं के साथ थाना घिराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस संबंध में मोहन नगर थाना प्रभारी और वार्ड के पार्षदों ने जानकारी दी। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।